थपकी थपकी प्यार की। अरे ये क्या हो गया, ये तो पूरी बिजली चली गई। लगता है भाभी जी फ्यूज उड़ गया है, मैं देख लेता हूँ। हाँ जा जा देख के आओ। बेहाल साफ करो ये सारी गंदगी, वरना मैं इस कमरे में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ओ महान आत्मा, तुम हमारी पत्नी नहीं बला हो, बला जो ना जाने कब चलेगी। हमें तुम्हारे साथ रह के कोई लड्डू नहीं मिल रहे, तो गुरु में आ गए इसलिए मजबूरन यहाँ रहना पड़ रहा है। वो तो बस दिन गिन रहे हैं कब ये 3 महीने पूरे हो, कब तुम दोनों अलग हो और कब तुम इस घर से जाओ हमेशा हमेशा के लिए। हमने जो कुछ भी अभी यहाँ सुना, यदि वो सत्य है तो बहुत ही शर्मनाक बात है। टूट गया वो रिश्ता जो इतने सालों का था। क्योंकि इन दोनों ने पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा को तोड़ दिया है। जन्मों जन्मों के इस पवित्र रिश्ते का अनादर हुआ है तुम्हारे घर में। ऐसी बात नहीं है गुरु माँ, आप नहीं जानते कि इन दोनों का रिश्ता कैसे जुड़ा है। मैं आपको विवाह का रिश्ता वो ऊपर ईश्वर जोड़ता है। कब कैसे कहां और किसके साथ वो सब वही निश्चित करता है। और तुम्हारे परिवार में ईश्वर के निर्णय का तिरस्कार हुआ है। जिस परिवार में गुरु की शिक्षा का अनादर हो उस परिवार में गुरुमा एक पल भी नहीं रह सकती। और आज से तुमने हमारी शिक्षा होने का अधिकार खो दिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने गुरुमा को बुलाया, मैं सिर्फ थप्पी और बिहान को करीब लाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। माँ आप परेशान मत होइए, कुछ दिनों में हम उनको मना के ले आएंगे। अगर उन्हें वापस आना होता ना तो ये धागा तोड़कर नहीं जाती वो। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूंगी। क्या यहाँ नहीं रहूंगी मैं। सारे 3 दुनिया छोड़कर हरिद्वार में जाके रहूंगी बस। क्या कह रही हैं आप माँ? सॉरी दादी माँ, मेरी वजह से आपको। तू क्यों दुखी हो रही है बेटा, गलती तो हम लोगों की है। हम सब ने तेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ होने दिया, एक रात में तेरी जिंदगी बदल गई और आज मेरी भी जिंदगी बदल गई।
से मेरी गुरु माँ का साथ छूट गया। कहाँ तो वो हर साल गणेश जी का विसर्जन अपने हाथों से करती थी और कहाँ अश खुद ही चली गई। माँ जी आप इतना परेशान मत होइए ना, हम कोई रास्ता निकालेंगे, क्यों है ना जी? हाँ बिल्कुल, एक ही रास्ता है सिर्फ कि बिहान और थपकी दोनों साथ रहे। पति पत्नी की तरह रहे, तब शायद भगवान और गुरु माँ हमें माफ कर सकते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ मैं ये नहीं होगा। इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं ही जाऊंगी। प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम। तुम क्यों आई हो यहाँ? गुरु माँ वो दादी माँ के लिए आपको मनाने आई हूँ। तुम्हारी दादी माँ से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, हमारी शिष्य होने का अधिकार खो दिया है उसने। गुरुमान उनकी कोई भी गलती नहीं है, गलती तो मेरी और बिहान की है जो हम। बच्चे यदि रास्ता भटक जाए तो इसमें अधिक दोष बड़ों का ही माना जाता है। गुरुमान पर बस इस विषय में हम और कोई बात नहीं करना चाहते। तरकश से निकला हुआ बाण जिस तरह से वापस नहीं आ सकता, उसी तरह से ये रिश्ता भी दोबारा नहीं जुड़ सकता। तुम जा सकती हो। ये क्या मूर्खता है? गुरु माँ मुझे माफ कर दीजिए, पर अपनी बात कहने के लिए मुझे ये करना पड़ा। तरकश से निकला बाण नहीं लौट सकता, लेकिन इस मटके को बनाने वाला कुमार तो इसी मिट्टी से दूसरा मटका जरूर बना सकता है। गुरुमा दादी माँ का पूरी तरह अपने आप से विश्वास उठ गया है। गुरुमा जिसे सिर्फ आप ही जोड़ सकती हैं। गुरुमा वो भगवान मानती हैं आपको, और अगर भगवान ही अपने भक्त से मुंह मोड़ लेंगे तो आप ही बताइए कि वो भक्त कहाँ जाएंगे। गुरु माँ दादी माँ वो बहुत अच्छी हैं, आप बस उन्हें एक, 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 एक मौका दे दीजिए। हम खुद गुरु माँ के पास जाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे। माँ जी मत जाइए ना, गलती मैंने की है ना, तो पश्चाताप भी मैं ही करूंगी। जाने दो मुझे। कहीं नहीं जाओगी तुम।
गुरुमा आप आ गई।